चित्रकला प्राविधिक इंटरमीडिएट कक्षा 12 के आज के इस वीडियो में हम आपको खंड ब के प्रश्न 2 का के ग्राफ अक्षर लेखन से अवगत कराएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आज प्रभा चैनल के इस प्रश्न से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। पहले वीडियो में ए से जे तक तथा दूसरे वीडियो में के से यू तक का अक्षर लेखन करके हमने छाया प्रकाश ग्राफ में दिखा दिया है। अब बचे हुए 5 अक्षर वी से जेड तक आज हम लिख करके छाया प्रकाश दिखाएंगे और साथ ही आपको आगे के प्रश्नों की वीडियो भी संप्रेषित करते रहेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले वी लिखते हैं। वी लिखने के लिए कुल 4 खानों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको विदित है कि ऊर्ध्वाधर 7 खाने लिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7वें खाने के इस तरह से नीचे आधा सेंटीमीटर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद सबसे ऊपर यहाँ 2 बिंदु पहले खाने में और फिर चौथे खाने में इस तरह से ले लेते हैं और उसके बाद फिर इन बिंदुओं को इस प्रकार से मिला देते हैं। इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद इस प्रकार मिला देंगे और उसके बाद इसको हल्का सा सेट कर देंगे। इस तरह से बी अक्षर बहुत सहजता से हम तैयार कर सकते हैं। बी के बाद डब्लू, डब्लू 5 खानों में लिखा जाएगा। जिस तरह से एम 5 खानों में लिखा गया था, 1 2 3 4 5। अब 5 खाने के सबसे पहले दोनों तरफ इस प्रकार से दोनों पिलर बना लेते हैं। इस तरह से इस प्रकार हल्का सा इसको सेट कर लेंगे और इसी तरह से बना लेंगे। फिर आउटलाइन को इस प्रकार से गहरा कर देंगे, पटरी की मदद से आप करेंगे, इस तरह से कर देंगे। इस तरह से इसके दोनों बाहरी फलक बना लेने के बाद बीच की इस लाइन में हमको W लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हम जहाँ किसी भी खाने में 2 बिंदु ले लेते हैं, किसी भी खाने में 2 बिंदु ले लेंगे और लेने के बाद इस बिंदु को इस बिंदु से पटरी की मदद से सीधा करके मिलाएंगे और यहीं पे ला करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इस बिंदु को इस बिंदु से पूरी तरह से इस प्रकार से मिला देंगे। फिर इस बिंदु को इस बिंदु से ऐसे पटरी की मदद से मिलाएंगे और फिर इस बिंदु की सीध से इस बिंदु तक पटरी रखेंगे और यहीं तक ले आ करके इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से W अक्षर आसानी के साथ बन जाएगा और इसको हल्का सेट कर देंगे और आउटलाइन गहरा कर देंगे। W के बाद X 4 खानों में लिखा जाता है। 1 2 3 4 4 खानों में लिखने के लिए सबसे पहले खाने में इस तरह से 2 बिंदु रख लेते हैं, फिर दूसरे खाने में इस तरह से और फिर नीचे 7वें खाने में इस प्रकार से बिंदु रखेंगे और फिर यहाँ भी इस तरह से बिंदु रखेंगे और आमने सामने के बिंदुओं को इस प्रकार से पटरी की मदद से सीधा इस तरह से मिला देंगे और इधर भी इस प्रकार से मिला देंगे पटरी की मदद से और फिर इसको हल्का सा सेट कर देंगे इस तरह से। तो हमारा जे अक्षर भी बन जाएगा। चारों तरफ आउटलाइन को हम पटरी से 2B पेंसिल से गहरा कर देंगे तो अक्षर स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद Y लिखने के लिए भी 4 खानों की आवश्यकता होती है। 1 2 3 4 खाने, तो सबसे पहले इस खाने में यहाँ और फिर यक्ष की ही तरह से यहाँ नीचे भी और फिर इस खाने में भी और ऊपर वाले खाने में भी इस तरह से मिला लेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहाँ शीर्ष रेखा को इस तरह से बिंदुओं से मिला देते हैं और फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे की ओर खींचेंगे लेकिन यहीं छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से पटरी रख करके मिलाएंगे और इस प्रकार से यहाँ ला करके छोड़ करके फिर इसको सेट दे देंगे। इस तरह से Y अक्षर बन जाएगा। जेड भी 4 खानों में बनाया जाता है। 1 2 3 4 खाने, चार खाने जो बनाए जाएंगे, इन चारों खानों को
सबसे पहले हम फिलअप कर लेते हैं इस तरह से। नीचे के भी चार खानों को हम इस तरह से फिलअप कर लेंगे, इस प्रकार से, इस तरह से फिलअप कर देंगे। उसके बाद इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे इस तरह से, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो हमारा जेड अक्षर भी बन जाएगा। इस तरह से आज हमने आपको जेड अक्षर तक अक्षर लेखन की विधि बता दिया। आइए वी अक्षर का छाया प्रकाश युक्त बनाते हुए इसका छायांकन करते हैं इस तरह से। इस प्रकार नीचे खींचेंगे और फिर इसको इस तरह से कर देंगे और यहाँ से ये छाया दिखा देंगे तो छाया बन जाएगी। उसके बाद डब्लू अक्षर की छाया के लिए इस प्रकार से इसको पहले यहाँ मिल जाते हैं, फिर यहाँ से रेखा खींचते हैं और इसको बंद कर देते हैं, और फिर इस तरह से, और फिर यहाँ की छाया इस तरह से ले आकर के यहाँ नीचे की ओर ये वाली छाया यहाँ से इस तरह से तिरछा खींचते हैं और इसी तरह की एक त्रियक रेखा खींच करके इसको मिला देते हैं, फिर एक त्रियक रेखा खींच करके इसको बंद कर देते हैं। तो डब्लू अक्षर का भी छायांकन इस तरह से बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके बाद जेड अक्षर का छायांकन करने के लिए यहाँ से इस तरह से खींचेंगे और फिर यहाँ मिला देंगे और इसी अनुपात में इस तरह की त्रियक रेखा खींचेंगे और यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ, और फिर इसको भी बंद कर देंगे। यहाँ से एक त्रियक रेखा इस तरह से खींचेंगे और इसको नीचे की ओर ले आएंगे और यहाँ से हल्का सा ऐसे करके इसको बंद कर देंगे तो हमारे यक्ष अक्षर का भी छायांकन हो जाएगा। उसके बाद वाई अक्षर इस प्रकार से खींचेंगे और नीचे की ओर ले आएंगे और यहाँ इस तरह की तिरछी रेखाएँ खींच करके इस प्रकार से ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद जेड अक्षर के लिए इस तरह से बनाएंगे और फिर इसको इस तरह से नीचे ला देंगे जहाँ इसकी छाया दिखाने के लिए इस प्रकार, नीचे की छाया दिखाने के लिए इस तरह से, और फिर बगल की छाया को दिखाने के लिए इस प्रकार से। तो इस तरह से आज हमने आपको तीन वीडियो के माध्यम से ए से लेकर के जेड तक के समस्त अक्षरों को लिखने और उसके छाया को प्रदर्शित करने का तरीका ज्ञात करवाया। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।